हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्त्रियों को ये काम कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उनके पतियों की बर्बादी हो जाती है, मुसीबत आती है, परेशानी आती है। तो क्या है वो कार्य, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन उनको भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे घर में परेशानी आए और मुसीबतें आए। स्त्रियां जो भी कार्य करती हैं उनका सीधा असर उनके पतियों पर जाता है और घर पर पड़ता है। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें और भूल करके भी यह कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं तो हर कार्य में हर तरह से परेशानी आती है। चाणक्य के हिसाब से, चाणक्य हमारे बहुत तगड़े विशेषज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे, उनकी बातों को आज भी माना जाता है। और जो लोग चाणक्य नीति पर चलते हैं, चाणक्य की बातों के हिसाब से चलते हैं, कभी जीवन में कोई परेशानी नहीं आती, किसी मुसीबतों में नहीं फंसते। आज मैं जो आपको बात बता रहा हूं ये शास्त्रों के अनुसार भी नहीं करने चाहिए। जो स्त्रियां ये कार्य करती हैं उस घर में कभी भी बरकत नहीं आती, उस घर में सदा ही परेशानी आती रहती है। दोस्तों, नंबर पहला, स्त्रियों को कभी भी अपना मंगलसूत्र किसी को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। ऐसा देने से स्वागत पर असर पड़ता है और मुसीबत आती है। मंगलसूत्र स्वागत की निशानी होती है, इसलिए ये कार्य ना करें। इससे माता लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं और धीरे धीरे मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें, अपना ये सामान कभी भी किसी को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। नंबर दो, आप ये चीज का ध्यान रखें कि स्त्री को कभी भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। जो स्त्री पति का नाम लेती है, जितनी बार लेती है उतनी ही दिन आयु पति की कम होती है, तो इसलिए भूल के भी नाम नहीं लेना चाहिए। आप किसी और तरीका से पुकार सकते हैं, लेकिन नाम ना लें। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो घर में उन्नति होगी और पति की सुरक्षा रहती है। नंबर तीसरा, स्त्री को कभी भी सबसे पहले खाना नहीं खाना चाहिए। सभी को खाना खिलाने के बाद ही स्त्री को खाना चाहिए, क्योंकि स्त्री को अन्नपूर्णा माता कहा जाता है। अन्नपूर्णा की संज्ञा दी गई है, तो इस बातों का आप हमेशा ध्यान रखें। जो मैंने ये तीन बातें बताई हैं इनको अवश्य निभाएं। अगर आप निभाओगे तो आपके घर में उन्नति होगी, आपके पतियों की सुरक्षा रहेगी और कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। आप ये आजमा करके देखें और इन नियमों को निभाएं। कमेंट में उपनिवेश जरूर लिखें।